तो आज की वीडियो भाई बहुत ज्यादा क्रेजी, बहुत ज्यादा तूफानी होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए। आराम से अबे भाई, डेट्स RX 100। अरे भैंस की तो टनल है भाई, तो बहुत गहरी है गाइस। ये जगह थोड़ा टाइम में ना भाई बिल्कुल तबाह होने वाली है, और जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे अब तक गाइस मैं लद्दाख के निकल चुका हूँ। सैटरडे कर दरना ये लड़का, सैटरडे मेरे हिसाब से 100% मुंबई। हाँ यही लड़का सैटरडे करता है। पता है क्यों करता है? मैं एक IT कंपनी में वर्क करता हूँ, यानी मंडे टू फ्राइडे वर्क और सैटरडे संडे होती है छुट्टी। और छुट्टी मतलब आप लोग को पता ही है, सैटरडे राइट संडे राइट, एंड इन दीज टू डेज आई गेट टू सी न्यू प्लेसेस, आई गेट टू राइड माय बाइक। तो इंसान कैसे ना करे सैटरडे। बाकी देखिए, इट इज 5:30 इन द मॉर्निंग। आज की वीडियो भाई बहुत ज्यादा क्रेजी, बहुत ज्यादा तूफानी होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए अपने हिमालयन पे। और इससे भी क्रेजी बात पता है कि काफी सारे लोग जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन आई डाउट क्योंकि भाई देखो सुबह के 5:30 बज रहे हैं, रात को तो सब एक्टिव रहते हैं, हाँ भैया मैं आऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भाई सुबह सब घोड़े बेच के ना सो जाते हैं। तो देखना होगा कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं। बाकी चलिए इसी बात पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो तगड़ियो स्वागत आप सभी को मेरे YouTube चैनल ट्रैवल बग में। और ये ट्रैवल बग भाई बहुत ज्यादा लेट चल रहा है। लेट क्यों चल रहा है? क्योंकि मीटिंग टाइम था 5:30 और 5:45 हो चुके हैं। तो जल्दी से गाड़ी पेलते हैं और चलते हैं महाराणा प्रताप चौक। ऋषिकेश वाले लोग पहले पहुंच गए, क्या हाल है? ये ऋषिकेश वाले लोग पहले कैसे पहुंच गए? बताओ भाई क्या हाल है? और जी गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? नहीं अभी तो कोई नहीं आया, ये देख के अच्छा लगा कि मुझसे भी लेट कोई आया। तो जी अभी पहुंच चुके थे अपनी लोकेशन पे, और बाकी अपने साथ के लोग ना काफी ज्यादा पंक्चुअल यार। ये देखो मतलब ये ऋषिकेश से भाई मुझसे पहले पहुंच गए, लेकिन आप लोग को तो पता ही है क्या करे यार, ब्लॉगर लाइफ हो जाती है लेट, क्या करे कैमरा सेटअप हो जाती है ना लेट, तू समझ सकता है ना इस बात को। And that's a beautiful sunrise over there. That's a beautiful sunrise, bhai. तो जी फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके थे मालदेवता ब्रिज के ऊपर, और अभी आप लोग का आज का लाइनअप दिखाता हूँ भाई। देखो उधर से स्टार्ट है, वहाँ हिमालयन खड़ी है, एक्टिवा भी अपने साथ दिया आज। ये हिमालयन डोमिनार एक्सपल्स एंड दैट्स 200 अनदर एक्सपल्स। तो आज ऑफ रोडिंग में भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी आज काफी सारे लोग भी आए हैं, ये देखो भाई दिस इज एन आइकॉनिक बाइक फ्रॉम ब्रोकन राइडर। तो देखो भाई काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आए हैं आज हमारे साथ। बाकी ठीक है, देखो आज का लाइनअप ये था, ये देखो, और यहाँ पे जूते सेट चल रहे हैं जो काफी ज्यादा आवाजें कर रहे हैं फिलहाल के लिए अभी। बाकी देख लो ये हम लोग निकल चुके हैं फाइनली, और भाई यहाँ से बहुत सारे राइडर्स हैं, तो मजा आने वाला है। और मजा इसलिए भी आने वाला है क्योंकि जो जगह हम लोग जा रहे हैं This is absolutely crazy, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज सल्फर पूल, एंड दिस इज द बेस्ट ऑफ रोड मतलब देहरादून में। तो भैया इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है ऑफ रोडिंग करने के लिए। यहाँ पे व्यूज हैं, मस्त कच्चे कच्चे रास्ते हैं, तो भाई बहुत मजा आने वाला है। देख रहे हो मतलब मचाते हुए जाएंगे आज, मचाते हुए भाई, एकदम मचाते हुए। और देखिए ये स्टार्टिंग में ही हम लोग सबसे पीछे हो गए यार, सबसे पीछे हो गए, क्योंकि जिनके साथ में आ रखा होना ये हार्ड कोर ऑफ रोडर है भाई, इन्होंने गंदी पेल रखी गंदी। और आप लोग को पता ही है तुम्हारा भाई देखो ऑफ रोडर तो है नहीं यार, हम तो टूरर कैटेगरी के हैं, लेकिन ठीक है सब कुछ ट्राई करना चाहिए जिंदगी में। बाकी सामने का व्यू देख रहे हो भाई, ओए वहां से सनराइज आ गई, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। इन लोगों को हमें देख के गुस्सा आ रहा होगा हैंगा, आई एम वेरी श्योर कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हैंगर हल्के हल्के मैं कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं, लोग हैंगर पीठ हल्की कर रही है हैंगर ये एकदम। अच्छा हम लोग आगे चले गया, हमारी कच्ची मिट्टी आज। ये देखो भाई ये प्रॉपर ऑफ रोडर है भाई, इन्होंने पेल रखी है। और ये बाइक देख रहे हो हैंगर भाई, दैट्स RX 100। ओ भाई आइकॉनिक बाइक है भाई, ये भी आइकॉनिक बाइक है। बाय बाय। ओके आइन आ चुका है एक रिवर क्रॉसिंग, चलो भाई चलो। अरे आराम से। ओ भाई ओ भाई मेरे
यहाँ तो तालाब बन रखा है पूरा का पूरा और साइड भाई। तो भाई देखो अभी हम लोग ना बीच रास्ते में थे, बाकी पीछे अभी दुकान में ना चाय वगैरह पी है और यहाँ पे काफी सुंदर सा व्यू था तो मैंने सोचा आप लोग को रुक के दिखाता हूँ। बाकी देखो यहाँ कोई भी नहीं है, सबके सब जो है चले चुके हैं। यार देखो आप लोग को पता ही, हम तो देखो नजारे देखने वाले इंसान है, तो चलिए फिर आपको भी नजारे दिखाते हैं। यार देखो जी व्यू देखो भाई, देख रहे हो भाई, मतलब सुबह का टाइम इतना ज्यादा बेस्ट होता है ना यार। और जिस चीज में अभी खड़ा होना ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये देखो ये ट्रॉली है, मतलब कि बरसात के टाइम में जब इसे पानी आता होगा ना नदी में, जो कि बहुत भयंकर आता है आप लोग को पता ही है मालदीव में क्या क्या होता रहता है, तो इसमें पानी जब आता है ना बहुत भयंकर, तो लोग देखो इसके थ्रू क्रॉस होते हैं जो वाले गांव वाले ना, क्योंकि अभी तो देखो पगडंडी बना रही कि एक कच्चा रास्ता है, लेकिन जब बारिश आती है तो सबका सब गायब और फिर लोग देखो इसके थ्रू ट्रैवल करते हैं। ये वाला व्यू देखो भाई जरा एक बार, तो लग रहा है अपने देहरादून में। देखो हम एक वैली में है और दोनों तरफ देखोगा ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और भाई सीधा मतलब पहाड़ भी क्या ही बोलूं, चट्टान है बेसिकली, देखो चट्टान भयंकर भाई, और वहां से देखो धूप निकलती हुई आ रही है भाई, बढ़िया है। मतलब यार ये रूट ना ऐसा है ना, कितनी बार भी आ जाओ इधर, मजेदार है भाई मजेदार, कसम से मजेदार है। ओ भाई उसकी आंख, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई अभी तो एक खतरनाक चीज दिखी, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ओ भाई साहब ये क्या है भाई, अरे भैंस की तो टनल है जी, हेलमेट वगैरह निकाल दिया है। बाकी भाई ये देख रहे हो भयंकर भाई, तो टनल है भाई। ओ भाई साहब जरा अंदर चल के देखते हैं क्या है, आ जा भाई। ओए अरे डर लग रहा मुझे भाई, क्या हो रहा है, अरे भैंस की आंख, मैं नहीं जा रहा अभी अंदर, संदूक है ना सामने, आंख भाई चल ले भाई, चलो कोई अंदर ना खींच ले। ओ भाई तो बहुत गहरी है, मैं नहीं आ रहा भाई, पागल हो गया वो, तू पागल है क्या, मत जा भाई, वो भाग समय तो दम घुट रहा है अभी, तो पागल है भाई तू, आगे चल दो तुझे कुछ होगा गाइस। देखो मैं इसको मना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी जा रहा है भाई, रहने दे भाई, कुछ भागते हुए आगे ना करो वहां से, हम मर बुरा जाएंगे भाई, अब रहने दे भाई तू। ओ भाई तो कुछ है, कुछ तो है अंदर। ओ भाई भाई वैसे कुछ नहीं था, मजाक कर रहा था, लेकिन भाई ये बहुत बड़ी है, और इवन देखो वहां पे भी है, वो देखो देखो वो उधर भी है, तो वहां और यहाँ। ओ भाई जी भाई ये टनल किस चीज की है, किस चीज के लिए, डैम बन रहा है, अच्छा तो भाई भाई बता रहे कि यहाँ ना डैम बन रहा है, तो अच्छा डैम का पानी डाइवर्ट होगा मेरे ख्याल से ना यहाँ से। हमारे साथ वाले पहुंच भी गए होंगे वहाँ भाई, बहुत लेट कर दी बताया हम लोगों ने भाई, लेकिन ये खतरनाक चीज थी यार, अंदर जाके तो भाई हालत खराब हो गई यार। अरे बाकी सब तो ठीक है यार, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, अगर डैम बन गया तो फिर ये रूट तो बंद हो जाएगा, तो गाइस देख लो इस जगह को, अब दोबारा ना आप लोग को ये जगह देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन मेरा एक और सवाल है, अगर यहाँ पे पानी भर जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, तो फिर सल्फर पूल कैसे जाएंगे और वहाँ के गाँव वाले भी कैसे आएंगे। और एक और चीज पता है, हमारे साथ ना एक एक्टिवा में भी आ रखा था भाई अमन, उसका ना टायर पंचर हो गया पता है पीछे यार, हम लोग काफी ज़रा आगे आ गए और पीछे उसका टायर पंचर हो गया, तो वहीं से वापस ले गया यार, तो काफी ज़रा बुरा लग रहा है उसके लिए यार। लेकिन एक मिनट, अगर वो पंचर अभी मेरे साथ हो गया तो, हे प्रभु ये क्या बोल दिया मैंने। बाकी दगड़ियों सामने का व्यू देख रहे हो भाई, कितना ज्यादा बढ़िया है, कितना ज्यादा मैजेस्टिक है और कितना ज्यादा डिफरेंट है भाई, हर मोड़ भाई इतनी एडवेंचरस, इतनी सुंदर, मतलब क्या नहीं है यहाँ पे। और आप लोग को भी एक बात बताता हूँ, जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं ना, अगर आप बरसात में हो गए तो भाई ये रास्ता बिल्कुल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी नदी बह रही होती है, आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते हो। और जो ये गाँव वाले है ना, इन लोग का भी मतलब शहर से बिल्कुल कट हो जाते हैं, ये लोग पहाड़ चढ़ के जाते हैं, फिर कितनी ज्यादा टफ लाइफ है यार भाई। इस पॉइंट पे रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा, मतलब ग्रेवल्स देखो ना भाई कितने पड़े हुए, आराम से आराम से, अबे रुक जा, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे देख कितना ज्यादा खतरनाक था, ले उठा टायर हो गया ना, मैं कह ही रहा था अपने वीडियो में ना कि रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है इस पॉइंट में। अच्छा चल कोई नहीं, होता रहता है, कैमरा ऑन है ना मेरा, बाकी सब ठीक है। ऑफ रोडिंग में देखो इतना चलता है, रुकियो मत भगाते रहो, आजा आजा आराम से, छोड़ मत भगाते रहे आजा आजा आराम से, अबे अबे उतर जा, बंद कर दे पहले, बंद कर दे, तू कितनी बार गिरेगा बे, धक्का मारो यार, ओए आराम से आराम से आराम से, ओ बढ़िया बचाया भाई बढ़िया भाई साहब। चलो कोई नहीं गाइस, दैट्स अ कंटेंट, कम ऑन, आप सभी के लिए बहुत सारी तालियां। आज की और भी मैं क्या था।
तो जी गिरते पड़ते फाइनली अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं, और अभी जितना भी पेन हम लोगों ने सहा यहाँ तक आने के लिए, उसका फल हम लोग के सामने है। ये देखो भाई, ये है अपना सल्फर पूल, और भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूल बना रखा होगा, लेकिन ये नेचुरल पूल है, इसमें कोई टाइल्स वगैरह नहीं है, लिटरली पानी ही इतना ज्यादा ब्लू है देखो। और ये भाई, हाँ भाई तेरा ही गिफ्ट है, जा कूद जा पानी में फटाफट। इधर से पानी आता है देखो जमीन के अंदर से आता है, और ये पानी जाता है फिर यहाँ से इधर, वो बना रखा है पूल, वहाँ पे स्टोर हो जाता है, अब वहाँ पे जाके नहा सकते हैं। बाकी चलिए फिर, इट्स पार्टी टाइम। तो भाई ये हम लोग नहा धो के ना बाहर आ चुके हैं, व्हाट अ टाइम। अभी देखो धूप पड़ रही है बढ़िया, और पानी एकदम ठंडा, भाई मजा आ गया। मतलब नहा के पूरी जितनी भी थकान लगी ना, सबकी सब जो है वो मिट गई है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, पेट पूजा भी हम लोगों ने कर लिया, बाकी इट इज टाइम टू रोल। बाकी भाई लाइनअप देखो तुम, बाइक्स देखो जरा एक बार यहाँ पे, एक्सपल्स तो बहुत सारी है, 220 है, हिमालयन है, लेकिन जो सबसे क्रेजी चीज है ना वो ये मशीन है भाई, देख रहे हो, ये है RX 100। भाई साहब, भाई इतनी पुरानी बाइक है ना ये, अभी मैं इसकी आपको आवाज सुनाता हूँ। अरे जरा स्टार्ट करना, खा गया भाई, अब इसकी आवाज सुनो जरा एक बार, अभी स्टार्ट हो जाएगा। आज ही स्टार्टर का काम कर रहा है, अभी स्टार्ट हो जाएगा। और भाई पे ना तीन चार बाइक है ना तुम्हारे पास, ऐसी बाइक ना पांच ऐसी, भाई देख रहे हो तुम, कलेक्शन है भाई, कलेक्शन है। और भाई ये अगर किसी पे बढ़िया कंडीशन में हो ना, लाखों लाखों में बिक रही है। हैंकर सुनो भाई आवाज, देखो भाई पीला धुआं, अरे खुशबू ले रहा, खुशबू पुराने दिनों की याद दिलाता है। ये ऐसी बाइक है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बाइक है भाई, और फील भी टोटल डिफरेंट है। चलो भैया बाकी ठीक है, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग घर। बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर। तो जी इसी के साथ मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी ये था हमारा आज का दिन, कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये है हमारे अभी भाई आज के ट्रिप के स्पॉन्सर, मतलब ये बेसिक स्पॉन्सर, मतलब लेके गए थे हमें अच्छी जगह। बाकी ये अपने ब्रोकन राइड, वेलकम टू द मतलब मजा आया यार, कुल मिला के बात है। कांड भी बहुत सारे हो गए, भाई का साइलेंसर गिर गया, भाई बड़ा आवाज ही सुना दो देखो, ये देखो। लेकिन जो भी था जैसा भी था बहुत ज्यादा मजा आया, और फ्यूचर में भी आगे भी अभी भाई के साथ जो है हम लोग ऑफरोडिंग करते रहेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। और जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे, अब तक शायद मैं लद्दाख के लिए निकल चुका हूँ। लद्दाख से मेरा मतलब है उत्तराखंड का लद्दाख। यस, एक जगह है जिसका नाम है नीति वैली, जिसको बोलते हैं उत्तराखंड का लद्दाख। तो जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, हम लोग वहां पर ट्रैवल कर रहे होंगे। बाकी अपडेटेड रहने के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, बाकी आईडी यहां पे आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो भाई इस ट्रिप के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है, जो कि आप लोग को आने वाली वीडियो में चली जाएगा पता। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और यकीन नहीं मानोगे, जो ये वीडियो देखी ना आपने, मैंने एक दिन में एडिट करी है भाई, चमत्कार हो गया, मतलब क्योंकि मैं बहुत टाइम लगाता हूँ यार। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और हम लोग निकलते हैं ट्रिप पे। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।